गर्मियों में कुछ टेस्टी और हेल्दी पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ऐसे में सत्तू के जूस से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्तू में आयरन, सोडियम, फाइबर, मैग्नीज, प्रोटीन, मैग्नीशियम जैसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसके इतने सारे गुण सुनने के बाद लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सत्तू का जूस हमारी किडनी के लिए अच्छा हो सकता है या नहीं। तो चलिए इस वीडियो में हम जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सत्तू के जूस में मौजूद गुण बॉडी में जमा गंदगी को यूरिन की मदद से बाहर निकालता है, जिससे आपकी किडनी भी सही रहती है। ऐसे में अगर आपकी किडनी हेल्दी है और आप उसे हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं तो सत्तू के जूस का सेवन कर सकते हैं। अब चलिए सत्तू के जूस के दूसरे फायदे भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि सत्तू के जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है। इसे पीने से आप डायबिटीज पर काबू पा सकते हैं, जो कि किडनी डिजीज का ही एक कारण होता है। वहीं कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी बनी रहती है। ऐसे में सत्तू में मौजूद फाइबर आपको कब्ज से राहत दिला सकता है। इसे रोजाना पीने से एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम में भी राहत मिलती है। वहीं सत्तू के जूस की बात हो रही है तो आपको बता दें कि इसे डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे पीने से इंटेस्टाइन से हार्मफुल सब्सटेंसेस को बाहर निकालने में मदद मिलती है। वहीं सत्तू के जूस का अगला फायदा हमारे बढ़ते हुए वजन के लिए होता है। सत्तू में फाइबर की अच्छी क्वांटिटी होती है। इसका जूस पीने से न सिर्फ मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, बल्कि वेट लॉस में भी मदद मिलती है। सत्तू का जूस कैलोरीज को भी तेजी से बर्न करने में मदद करता है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप एक किडनी पेशेंट हैं तो आप सत्तू का जूस नहीं पी सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो किडनी डैमेज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो ये थे सत्तू जूस के कुछ फायदे। अगर आप भी सत्तू के जूस को पीना चाह रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।